Hello students, good morning. Today I am going to continue our topic number system pe aage badhane ja raha hu, and in number system today we will study about the how to check a number is rational or irrational. You will be given a number and you have to decide that the given number is rational or irrational. आपको एक नंबर दी हुई होगी, उसको बताना कि रेशनल है या इरेशनल है. उसके रूल्स है, ये रूल्स माइंड में रखिए. इरेशनल नंबर के कैसे पहचान की जाती है, इसके रूल्स है. फर्स्ट रूल आता है ए नंबर हैविंग रेडिकल साइन. किसको बोलेंगे, ये जो साइन होता है इसको रेडिकल साइन, या जिसको अपन स्क्वायर रूट या रूट शॉर्ट में बोलते हैं वो हो, तो इरेशनल नंबर होती है. लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होनी चाहिए. इस स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होनी चाहिए, तो वो सभी संख्याएं इरेशनल होती है. एग्जांपल्स हैं जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट ट्वेंटी थ्री, ये सभी इरेशनल नंबर है. आप सोच रहे होंगे कि रूट फोर क्यों नहीं आया, रूट नाइन क्यों नहीं आया, रूट सिक्सटीन क्यों नहीं आया. यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था अपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर? आपको स्क्वायर पता है, स्क्वायर जानते हो, वन का स्क्वायर वन होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है. फोर वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नाम से जानी जाती है. स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने पर ये नंबर इरेशनल होती है, रेशनल होती है. इसका रीजन है कि रूट फोर की वैल्यू कितनी होती है, टू. अब टू रेशनल होती है तो इसको ऊपर इरेशनल नहीं कर सकते, ये दोनों एक ही है, सेम है, डिफरेंट नहीं है. सिमिलरली इसकी वैल्यू थ्री होती है, इसकी फिफ्टीन होती है, और इसकी वैल्यू 10/12 होती है, और इसकी 1/3 होती है. ये सभी रेशनल होंगे. फर्स्ट रूल आपका ये है कि ए नंबर हैविंग रेडिकल साइन एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज इरेशनल, वो सभी इरेशनल होती है. ये फर्स्ट रूल हो गया. अब सेकंड रूल है चेक करने का कि रेशनल है या इरेशनल है. ए नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज रेशनल. अगर कोई नंबर आपके पास डेसिमल फॉर्म में और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होगा. क्या होगा? रेशनल होगा. ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा रेशनल होते हैं क्योंकि इनको पी फॉर पी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग not recurring. If decimal expansion is non-terminating, not recurring, then the number will be irrational. तब irrational. Let's we take some examples. 0.375. This number have terminating decimal expansion, so it is rational and it can be expressed in the form of p upon q. It will be rational number. And in this decimal expansion, the type of decimal expansion is non-terminating recurring, and this number is also can be expressed in the form of p upon q. So this is also rational number. But such type decimal expansions in which there is no repetition of the digits and the decimal expansion is non-terminating, non-recurring, then such type numbers are known as irrational numbers. Let's another example. 7.142345670051.
डेसिमल नंबर होगा 0.77777, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसलिए ये डेसिमल नंबर 0.45, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है इसलिए ये भी डेसिमल होगा। डेसिमल एक्सटेंशन में अगर आपके पास कोई नंबर आते हैं तो आपको उसका टाइप ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन नोटिस करके ये डिसाइड करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। अब अपन थर्ड नियम पर आते हैं। थर्ड बोला इफ देयर इज रेशनल नंबर एंड ए रेशनल नंबर एंड देयर इज सम ऑपरेशन देन द कंप्लीट विल बी इरेशनल नंबर। अगर आपके पास जैसे मान लो एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों का अगर एडिशन आ जाए, सम आ जाए, ये तो कंप्लीट नंबर है 2+1 2, ये क्या हो गया, ये तो अकेली तो रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। अगर दोनों का सम आ जाए ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये इरेशनल नंबर होगी, ये इरेशनल नंबर है। सिमिलरली 5+√7 ये भी इरेशनल नंबर होगी। इस प्रकार से रेशनल प्लस इरेशनल नंबर आ जाए तो इरेशनल नंबर मानना है। फोर्थ बोला रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, वो भी इरेशनल नंबर होती है। जब 5 -√3 5 रेशनल है, √3 इरेशनल है, तो 5 -√3 विल बी इरेशनल। ये इरेशनल नंबर होगी भाई, ये भाई ये रेशनल है, ये रेशनल, ये इरेशनल, ये कंप्लीट इरेशनल नंबर होगी। आप इसके पास अलग एग्जांपल ले सकते हैं 7 -√2, इसका अगर अपोजिट भी हो, इरेशनल माइनस रेशनल हो तो भी वो इरेशनल होगी। जैसे √7 -2 ये भी इरेशनल होगी, √7 -2 √5 नहीं होगा, √5 नहीं होगा, और √2 2+√2 √4 नहीं होगा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है इन दोनों का सम नहीं होगा और ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर ही होंगे। अब हम आगे और नियम देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई पर रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई कर लें तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा फाइनल वो इरेशनल होगा। सिमिलरली रेशनल और इरेशनल नंबर अगर डिवाइड कर लें तो उन दोनों का डिवीजन भी इरेशनल होगा। लेट्स टेक एग्जांपल्स 5 √2, ये √10 नहीं होगा, ये होगा 5√2, √10 नहीं होगा। तो ये जो 5√2 है ये इरेशनल नंबर है, 5 रेशनल है, √2 इरेशनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर होगा। ऐसे √2 अपोजिट आ जाए, इसका रिवर्स आ जाए, इरेशनल इनटू रेशनल, जैसे √5 × 7 ये 7√5 होगा, √35 नहीं होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली इन डिवाइड प्रोसेस 5 इज रेशनल एंड √2 इज इरेशनल, देन 5/√2 इज विल बी इरेशनल। एंड इफ रिवर्स ऑफ दिस, अगर इरेशनल अपॉन रेशनल आ जाए ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। हाँ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे इरेशनल और इरेशनल आ जाए तो किस प्रकार से होंगे। नेक्स्ट रूल्स में अगर इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर आ जाए तो उनका सम क्या होगा, जैसे √2 + √3 ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये कंप्लीट भी क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, इन दोनों का सम √5 नहीं होगा। √2 + √2 आ जाए तो ये हो जाएगा √2, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √4 नहीं होगा, रूट इन दोनों का सम √4 नहीं होगा, क्या होगा, √2। ऐसे 5√3 + √2√3 इन दोनों का सम जो है वो हो जाएगा 7√3, और ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। देन वी कैन से दैट द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स ऑलवेज इरेशनल नंबर्स। नाउ लेट्स लुक अनदर रूल, इफ देयर इज इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर्स एंड देयर इज सबट्रैक्शन साइन, देन आवर रिजल्ट मे बी इरेशनल और इरेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर है, उन दोनों इरेशनल नंबर्स का सबट्रैक्शन है तो रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। जैसे √3 -
रूट टू, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, इरेशनल। लेकिन एक अंडर कंडीशन है, उसमें अपन मैं ले रहा हूँ रूट थ्री माइनस रूट थ्री, इस कंडीशन में ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ गया जीरो, और जीरो क्या है रेशनल, जीरो क्या है रेशनल है, उस कंडीशन में ये इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। लेट्स लुक इन मल्टीप्लाई ऑपरेशन, अगर आपके पास रूट थ्री इंटू रूट टू है उस कंडीशन में ये हो जाएगा रूट सिक्स, और ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री आ जाए उस कंडीशन में ये रूट नाइन होगा, और रूट नाइन की वैल्यू कितनी होती है थ्री, उस कंडीशन में हमारे पास इरेशनल प्राप्त होगी नंबर, तो इरेशनल इंटू इरेशनल में भी इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकती है। सिमिलरली दीज रूल्स आर आल्सो कैप्ट इन डिवाइड प्रोसेस, रूट सेवन डिवाइड बाई रूट टू, देन यू गेट रूट सेवन अपॉन टू, एंड दिस नंबर इज इरेशनल, बट टू रूट सेवन डिवाइडेड बाई रूट सेवन, देन वी गेट टू, देन वी गेट ए रेशनल नंबर। तो इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करने पर इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। इस प्रकार से आपको इन रूल्स को मायने करते हुए नंबर का आइडेंटिफाई करना होता है कि ये रेशनल है इरेशनल है। अब मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ। पिछले नियमों में हमने ये देखा कि नंबर को देख करके अपन 99% अनुमान लगा लेते कि इरेशनल है या इरेशनल है, लेकिन इन एग्जांपल्स में थोड़ा सा आपको जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, इनको सोल्व करना है, सोल्व करने पर हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उसको देख करके आपको डिसाइड करना होता है कि इरेशनल है या इरेशनल नंबर है। लाइक दिस टू प्लस रूट टू एंड टू माइनस रूट टू, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस पार्ट डिस्कशन टू फॉर सॉल्यूशन डिस्कशन, वी विल अप्लाई द अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स, देन वी गेट रूट टू स्क्वायर ऑफ टू माइनस स्क्वायर ऑफ रूट टू, देन वी गेट टू। नाउ लुक चेक वेदर टू इज रेशनल और इरेशनल, टू इज रेशनल, सो दिस नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉल्व दिस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स हो गया, तो टू रूट सिक्स हो गया, और थ्री और टू ये ऐड हो करके फाइव हो गए और टू रूट सिक्स, अब आगे ऐड नहीं होगा क्योंकि ये रेशनल है और ये रेशनल है, ये सेवन रूट सिक्स नहीं होगा, अगर आप करते हो तो रॉन्ग माना जाएगा। इसका प्रोडक्ट, इसका फाइनल सॉल्यूशन है वो ये रहेगा 6। अब बात है ये इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर ही होती है, तो ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इसमें देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, रूट सिक्स का होल स्क्वायर, रूट सिक्स का होल स्क्वायर कितना होगा रूट 36, और रूट 36 की वैल्यू 6 होती है, इसलिए ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, और ये रेशनल है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें आपको ये बताना होता है कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो चेक करने का टॉपिक हमारे पास समाप्त होता है, अब आप सभी प्रकार के नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये रेशनल है या इरेशनल है, आप इनकी और प्रैक्टिस करोगे तो आप में परफेक्शन आएगा,
अब मैं अन्य क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसमें हमारे को इरेशनल नंबर फाइंड करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से था, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5.7 एंड 9.11, यानी दो रेशनल नंबर दे करके उनके बीच में इरेशनल नंबर पूछेगा। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने ये पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो वो मेथड सिखाया था। आज हम पढ़ेंगे दो इरेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको पता है इरेशनल नंबर तो पीप और क्यों के रूप में होने से, क्योंकि हम डेसिमल फॉर्म में होती है, तो सबसे पहला काम है इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना। तो 5.7 इसका डेसिमल अगर फॉर्म देखेंगे हम, तो डिवाइड कर लीजिए इसको, तो 0.714285 इस प्रकार से आएगा। और 9/11 को अगर ऊपर करेंगे तो 0.8181 इस प्रकार से आएगा। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद में अब इनके बिटवीन में देखना है कि इनके बिटवीन में इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। टू इरेशनल नंबर बिटवीन 5.7 एंड 9.11 इनके बिटवीन में देखिए, ये 0.71 है और ये 0.81 है। अगर एक ही डिजिट लेता हूँ 7 और 8, तो 7 और 8 के बिटवीन में कोई नंबर नहीं मिल रहा, आप दो दो डिजिट ले लीजिए 71 और 81, तो 71 और 81 के बिटवीन में 10 रेशनल नंबर है, 10 में से आप एनी टू ले लीजिए। हो सकता है अगर दो डिजिट ले लें तो भी हमारे पास रेशनल नंबर इनके बिटवीन में नंबर कम रहे, 3 डिजिट ले लीजिए 714 एंड 818, तो आपके पास में और अधिक नंबर मिल सकते हैं। लेकिन हमारे पास 3 डिजिट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास 2 डिजिट्स ले लीजिए, इनको इग्नोर कीजिए। 71 और 81 इनके बिटवीन में तो रेशनल नंबर है, उनसे 2 ले लीजिए, तो 0.73 ले रहा हूँ और 1 ले रहा हूँ 0.76। अब इन नंबर्स को हमारे को इरेशनल बनाना है। ये स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ये स्टार्टिंग कहाँ से करना है डेसिमल फॉर्म का, वो इनके बिटवीन में करना है। अब आगे आप अपने अकॉर्डिंग मनमर्जी का चुनाव कर सकते हो। इसको इरेशनल बनाना है, इरेशनल बनाने के लिए एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो अपन बना लेते हैं 7307300703000 ये इरेशनल नंबर बन गई, जिसका क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। सिमिलरली इसको भी इरेशनल नंबर बनाइए 0760006000006000 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये आपके पास दो इरेशनल नंबर हो गए। अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता था कि रेशनल नंबर फाइंड करो, तो आपको पहले बता ही रखा है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इनके बिटवीन में आपको दो इरेशनल नंबर पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, इनके बिटवीन में कोई संख्या नहीं मिल रही, दो दो डिजिट ले लीजिए 52 और 54 के बिटवीन में 53 एक संख्या है, क्योंकि पूछ रहा है दो है, तो 3 डिजिट लीजिए, ये 3 डिजिट ले लिया 525 और 545। अब आप देख सकते हो कि 525 और 545 के बिटवीन में आपके पास 20 नंबर है, तो उनमें से आपको दो ले लो 0.527 आ जाएगा और 0.530 आ जाएगा। अब इनको आप क्या बनाना है, इरेशनल बनाना है। इरेशनल बना करके आगे लिख दीजिए। अगर ये इरेशनल पूछ लेता तो उस कंडीशन में हम इनको इरेशनल बना लेते, डॉट डॉट नहीं लगाते, डॉट डॉट नहीं लगाने से क्या बन जाते, इरेशनल बन जाते। और अगर इरेशनल बना रहा है पूछ रहा है, तो आप इनके आगे और लिख दीजिए 0527
5300 5300 5300 5300 and so on. इस प्रकार से एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। आज क्लास में इतना ही है, इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का वो अंतिम टॉपिक होगा। थैंक यू।